राम भद्राचार्य का विवादों से पुराना नाता है। वो लगातार ऐसे बयान देते हैं जो तमाम तरह के विवादों को जन्म देते हैं। उनके बयान आरक्षण को लेकर, विभिन्न जातियों को लेकर, विभिन्न जातियों के नेताओं को लेकर और राष्ट्रीय नेताओं को लेकर वो लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं जो कि अशोभनीय हैं और उनको लेकर विवाद होता रहा है। राम भद्राचार्य रामानंद परंपरा के संत माने जाते हैं। जो उनको संत मानते हैं वो मानते हैं कि वो रामानंद परंपरा के हैं और खुद को शंकराचार्य होने का वो क्लेम करते हैं। हालांकि शंकराचार्य की जो मूल परिकल्पना है वो आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी और चार ही शंकराचार्य की परिकल्पना मूल रूप से की गई थी और चारों पीठों पर चार शंकराचार्य होंगे जो देश के चार कोने में होंगे। यही एक उसका उसकी जो मूल अवधारणा है वो ये थी। लेकिन इस देश में कई सौ लोग खुद को शंकराचार्य घोषित करते हैं और शंकराचार्य होने का क्लेम करते हैं और राम भद्राचार्य उनमें से एक हैं जिनका क्लेम है कि वो शंकराचार्य हैं। अब ये क्लेम सही है या नहीं है ये हिंदू धर्माचार्य तय करें, हिंदू धर्म की जो विद्वत सभा है वो तय करें कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, लेकिन क्लेम उनका अपनी जगह पर है। अब ये है कि राम भद्राचार्य जो हैं वो कथावाचक हैं मूल रूप से, तमाम जगहों पर जाकर कथाएं पढ़ते हैं और आप जैसे जानते हैं कि इन कथाओं में सुनने वाले जो ज्यादातर लोग होते हैं वो आमतौर पर गरीब लोग होते हैं और उसमें SC ST OBC की बड़ी संख्या होती है। इसके बावजूद राम भद्राचार्य अपने प्रवचनों में लगातार SC ST OBC के खिलाफ टिप्पणियां करते रहते हैं। मूल रूप से उनके किसी भी धार के विषय में, उनके विकास के विषय में, उनके आरक्षण से जुड़े हुए किसी विषय को लेकर या उन वो जिन नेताओं को अपना नेता मानते हैं उनको लेकर वो लगातार टिप्पणियां करते हैं। ये SC ST OBC की अपनी एक वैचारिक गुलामी कहिए या एक हेजेमनी बाई कंसेंट का जो आइडिया है एंटोनियो ग्राम्सी का कि वो कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं करता है, लेकिन आप वैचारिक रूप से आप एक ओ में रहते हैं, एक असर में रहते हैं और इसकी वजह से अपने उत्पीड़कों के साथ भी आपको लगता है कि वो हमारा उद्धारक है, तो ये एक समस्या है और इस वजह से वो जाते हैं। चलिए जो जाते हैं वो तो जाते हैं, लेकिन राम भद्राचार्य क्योंकि खुद को संत मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि उनकी संत की परंपरा है, कायदे से उनको ऐसे विवादास्पद और अभद्र बयानों से बचना चाहिए। लेकिन वो इसको लेकर कभी भी, क्योंकि देखिए एक तो उनकी उम्र काफी हो चुकी है, वो दृष्टिबाधित रहे हैं बचपन से ही, उनको देखते नहीं हैं, तो उनको आमतौर पर आसपास के लोग जो बता देते हैं उन्हीं को वो अंतिम सत्य मानकर उसी को प्रवचन के रूप में वो पढ़ के सुनाते हैं। अभी तो उसको इस आयु की इस अवस्था में और इस तरह से वो एक शारीरिक रूप से विशिष्ट रूप से वो एक स्थिति में है, उसकी वजह से एक उदारता की उम्मीद ये भी की जाती है आलोचकों से कि वो उनको लेकर एक उदारता बरतें और उनको लेकर कोई बहुत कड़वी बातें ना करें। लेकिन उसकी एक सीमा होती है क्योंकि उनका अब उनकी बातें समाज में लोग सुनते हैं, उनके प्रवचन टेलीविजन चैनलों पर दिखाए जाते हैं, वो इंटरव्यू देते हैं, भारत सरकार उनको सम्मानित भी करती है, सरकारें सम्मानित करती रही है, अखिलेश यादव भी सम्मानित उनको करते हैं क्योंकि समाज में असर की वजह से नेताओं को ये सब करना पड़ता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर लगातार संविधानेतर बातें करे, संविधान के विरोधी बातें करें, समाज में लगातार कटुता फैलाने वाली बातें करे, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। और मेरा तो निवेदन है राम भद्राचार्य के आसपास के जो लोग हैं उनको समझाएं कि कृपया इस तरह की बयानबाजी न करें, अशोभनीय है, अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, कम से कम संविधान विरोधी बातें तो ना करें। आरक्षण की उनकी क्रिटिक हो सकती है क्योंकि तो वो जिस जाति से हैं उनको भी अब आरक्षण मिल रहा है EWS में, तो इसका भी उनको आभास होना चाहिए कि उनकी जाति खुद लाभान्वित है आरक्षण से, वो बेनिफिशियरी हैं, है उनकी जाति और उनके जो रिश्तेदार रहे होंगे वो आरक्षण का आज की तारीख में लाभ उठा रहे हैं। ऐसी हालत में इसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई टिप्पणी उनको करना शोभा नहीं देता है, ये उचित नहीं है। और क्योंकि अभी उन्होंने फिलहाल अनुसूचित जाति के बारे में एक बहुत अभद्र टिप्पणी की है, तो कानून को भी देखना चाहिए कि क्या वो उन पर
सिर्फ उम्र की वजह से उनको उन पर उधार रहेंगे या सचमुच उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए, इस तरह पर भी विचार किया जाना चाहिए। देखिए, समाज में जो वंचित तबका है उसकी कड़वाहट समझ में आती है, लेकिन जो सबसे प्रिविलेज्ड तबका रहा है, सबसे ज्यादा प्रिविलेज जिनको रहा है, उनके अंदर किस बात की कड़वाहट है? उनके अंदर तो एक उदारता की उम्मीद की जानी चाहिए कि हम प्रिविलेज्ड रहे, पीढ़ियों से पढ़ने लिखने और संपत्ति रखने का अधिकार रहा, हम एक स्थिति में पहुंचे हैं। यहाँ से उनको वो लोकतंत्र में जो हम यात्रा कर रहे हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि वो एक उदारता की उम्मीद उनसे की जाती है। ये उदारता अगर नहीं है तो कम से कम मौन की उम्मीद की जाती है। लेकिन 80 या 85 साल का एक बुजुर्ग आदमी जिस तरह से लगातार समाज में जहर फैला रहा है, उससे उनको मेरे ख्याल से परहेज करना चाहिए, बहुत ही अनुचित है। और देखिए, एक समय के बाद ये जो भीड़ जुट रही है वो उसमें भी जागृति देर सवेर तो आएगी, वो क्यों सुनेगी अपनी जातियों के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ? वहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस आएगा, आज नहीं है, इतना का भाव है, शिक्षा का भाव है, शिक्षा देर से आई है। और जो खास करके गरीब लोग होते हैं वो उधार के लिए भगवान की तरफ देखते हैं, धर्म की तरफ, और उनको लगता है कि ये बिचौलिए हैं जो भगवान और उनके बीच का कोई वो पुल बना सकते हैं। इस वजह से लोगों की उनमें आस्था है। ये सब पीड़ित मानवता की पुकार है जिसकी वजह से इन संतों के पास लोग जाते हैं, तो उनको बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको इससे उनको मेरे ख्याल से बचना चाहिए। और कानून अपना काम करे ऐसे मामले में, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और आप सब लोग भी अलर्ट रहें, क्योंकि धर्म के नाम पर अगर वो आस्था है, विश्वास है, ईश्वर के साथ संबंध आपका जोड़ता है, आपका भरोसा है, बिल्कुल सही है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सामाजिक व्याधियों को जन्म दे, सामाजिक कटुता को जन्म दे, फिर तो ये समस्या मूलक है, इससे बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।